हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है मैटर। मैटर मैटर होता क्या है? तो मैटर देखिए क्या बोल रहे हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ रहता है? टाइनी पार्टिकल्स से। और इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो आप जानते हैं मॉलिक्यूल होता क्या है? मैटर तो हम समझ गए कि टाइनी पार्टिकल्स कॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है मैटर। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल इज डिफाइन एज टू और मोर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट। अब आ गया मॉलिक्यूल में क्या आ गया? एटम आ गया, मतलब दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर क्या बना हुआ है? मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल एटम जो है सेम एलिमेंट का रह सकता है और डिफरेंट एलिमेंट का भी रह सकता है। एग्जाम्पल में जैसे O2, तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन का सेम एटम है, लेकिन वही हम लिखेंगे H2O। तो इसमें क्या मिलकर बना है? हाइड्रोजन का भी एटम है और ऑक्सीजन का भी एटम है। जान गए? अब आते हैं हम लोग इंटरमॉलिकुलर फोर्स, इसको बोलते कैसे। तो सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। अब ये मान लीजिए आपका पार्टिकल्स है। मैटर क्या है? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये पार्टिकल्स है, इतने दूर दूर नहीं रहते और पास पास रहते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए शो कर रहा। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स किसको बोलते हैं? तो देखिए क्या बोला है, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टूगेदर, होल्ड करके रखे हुए किसको? बाय अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखा है। तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर मॉलिकुलर फोर्स बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंटर मॉलिकुलर स्पेस। तो इंटर मॉलिकुलर स्पेस से क्या समझते हैं? स्पेस मतलब जहां भी जगह खाली है उसको क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। तो क्या है? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर स्पेस, यानी कोई भी दो पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग इंटर मॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे हम लोग इंटर मॉलिकुलर फोर्स। अब मैटर आपको पता है, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यही इसी दोनों फीचर्स पे डिपेंड करता है कि वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। चलिए देखते हैं हम। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए सॉलिड में आप सोचिए, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए डस्टर, ये क्या है? सॉलिड है ना। तो अब बताइए सॉलिड में पार्टिकल्स है, दूर दूर रहते हैं कि पास पास रहते हैं? सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास रहेंगे तभी ना सॉलिड कहलाएंगे, तभी ना उनका प्रॉपर शेप होगा। वही इस केस में लिक्विड में पार्टिकल्स क्या रहते हैं? सेपरेटेड रहते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस इनका क्या होता है? बढ़ जाता है। और गैस में हम लोग जाएंगे तो पार्टिकल्स और दूर दूर जाने स्टार्ट कर देते हैं। तो उसको हम बोलेंगे क्या? सॉलिड में हम क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या रहता है? ज्यादा रहता है या कम रहता है? तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स ज्यादा रहेगा तभी ना अटैच कर पाएंगे। तो इसमें लिखेंगे इंटर मॉलिकुलर फोर्स इज ग्रेटर। इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा? आपका इंटर मॉलिकुलर फोर्स ग्रेटर होगा सॉलिड में। अब आते हैं लिक्विड में। अब लिक्विड में इंटर मॉलिकुलर फोर्स कैसा आएगा आप बताइए? इंटर यहां पे तो एटम को क्लोजली फोर्स के कारण अटैच किए हुए है ना, तो इस पे देखिए क्या हो रहा है, फोर्स यहां पे घट जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटर मॉलिकुलर फोर्स इज लेस। इंटर मॉलिकुलर फोर्स क्या होगा? कम होगा, लेकिन होगा,
तभी ये लिक्विड कहेंगे। लेकिन गैस के केस में क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज वेरी वीक, यानी इसमें क्या होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, तभी जो पार्टिकल्स है यहां इतने इतने डिस्टेंस पे आ जाते हैं। आप एग्जांपल में आप बोलिए, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में आप ले लीजिए डस्टर, ले लीजिए चेयर बेंच कुछ भी ले लीजिए। अब आते हैं लिक्विड में, लिक्विड में क्या, वाटर ले लीजिए, वाटर को हम स्पिल करेंगे कहीं भी तो क्या होगा, पार्टिकल्स, उसका पार्टिकल दोनों के बीच में फोर्स कम होगा तभी ना वो लिक्विड फेज कहलाएगा। लेकिन वही गैस में क्या हो जाता है, बहुत ही फोर्स कम हो जाता है, वही इसका उल्टा हो जाएगा। यानी अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, इसमें स्पेस देखिए कम लग रहा है तो क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, लेस होगा। अब वही केस लिक्विड में आ जाएंगे तो लिक्विड में क्या होगा आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। लिक्विड के केस में आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्ज हो जाएगा, क्यों, देखिए दोनों के बीच का स्पेस देखिए आप, स्पेस सॉलिड के कंपेयर में बड़ा हुआ कि नहीं हुआ स्पेस। और वही नेक्स्ट गैस में क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स और दूर दूर है, यानी दोनों के बीच में स्पेस कितना और ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट। अब एक एग्जांपल देखिए, आप परफ्यूम मारते हैं, परफ्यूम मारते हैं तो वो वहीं का वहीं रहता है क्या, कि पूरे कमरे में फैल जाता है, तो उसमें क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है आपका कम है, फोर्स कम है तो सब जगह रिलीज हो जा रहा है, स्पेस ज्यादा है, स्पेस क्या है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, समझे। तो ये था हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का ब्रीफिंग, कि सॉलिड में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ग्रेटर होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर सॉरी स्पेस है यहां पे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, लेस होता है। तो इससे हम क्या एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लार्जर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस विल बी लीस्ट एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा भी पॉसिबल, अगर किसी में किसी मैटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा रहेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी स्टेट्स ऑफ मैटर का इंटरकन्वर्जन होता कैसे है, क्या होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं। मैटर का तीन स्टेट होता है ना, सॉलिड लिक्विड और गैसियस स्टेट होता है। तो अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग मेल्ट कर जाना, यानी आपका जो आइस हो गया, आइस का एग्जांपल ले लेते हैं, आइस है सॉलिड स्टेट में, लिक्विड में वाटर में चेंज हुआ, यानी क्या हुआ अपना स्टेट चेंज कर लिया, इसी को बोलते हैं हम लोग इंटर कन्वर्जन बोलते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड में चला गया मतलब क्या हुआ, मेल्ट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट यहां से आया। उसके बाद फिर लिक्विड से गैस में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा तो क्या होगा, फिर गैस से लिक्विड में भी आ सकता है, जैसे लिक्विड हो गया वाटर, वाटर आपका लिक्विड हो गया,
उसको आप क्या करेंगे, बॉयल करेंगे ना, बॉयल करेंगे तो वहां से एक पॉइंट आया आपका क्या, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, लिक्विड से तो गैस में कह दिए, अब एक चीज और आएगा। लिक्विड से तो सॉलिड में कह सकते हैं ना, जैसे पानी आप रखेंगे फ्रिज में, पानी रखेंगे तो क्या होता है, फ्रिज का फ्रीजर में आप पानी रखेंगे तो क्या हो जाता है, वो आइस बन जाता है। यानी क्या हो गया, लिक्विड से क्या हो गया आपका, सॉलिड में कन्वर्जन हो गया। यानी क्या हुआ आपका, फ्रीज कर गया, क्या हो गया, फ्रीज कर गया। तो वहां से आता आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब मैं बोला मेल्ट कर गया, ठीक है समझ में आता है, बॉयल कर गया, बॉयल कर दिए हम लोग, फ्रीज कर गया समझ में आता है, लेकिन पॉइंट क्या होता है। पॉइंट देखिए, पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सुनिए, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इन टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। लिख सकते हैं द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इंटू लिक्विड, यानी एक वैसा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जिस पे सॉलिड किस में चेंज हो जा रहा है आपका, लिक्विड में चेंज हो जा रहा है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आ गया। सेम गैस से लिक्विड में भी होता है, लिक्विड से सॉलिड में होता है, क्या हो रहा है, इंटर कन्वर्जन हो रहा है, यानी सॉलिड से लिक्विड चला जा रहा है, लिक्विड से गैस बन जा रहा है, फिर गैस से भी आएंगे, गैस से भी चेंज होता है, जैसे गैस से लिक्विड में चेंज होने को बोलते हैं कंडेंसेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या हो रहा है, प्रेशर लगा के हम क्या कर रहे हैं, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हम लोग काइनेटिक थ्योरी में डील करेंगे उसके बारे में। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी वही हो जाएगा ना, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इंटू लिक्विड, ये तो मेल्टिंग का है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, लिक्विड का किस में चेंज हो जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है, तो लिखेंगे इसमें क्या, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इंटू गैस। बॉयल में क्या किए हम लोग, पानी गर्म करते हैं, देखते हैं ऊपर क्या निकलता है, वेपर निकलता है ना, वही एक क्या हो गया, गैस हो गया, यानी आपका वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, वेपर फॉर्म हो रहा है, यानी गैसीय स्टेट में जा रहा है। अब आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड, व्हेन लिक्विड चेंजेस इंटू सॉलिड, यानी द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच क्या होगा, फ्रीजिंग में लिक्विड किस में चेंज होगा, सॉलिड में, तो वही लिखेंगे लिक्विड चेंजेस इंटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। सबका मेल्टिंग पॉइंट का देखिएगा, हर एक मैटर का मेल्टिंग पॉइंट डिफर करता है, वैरी करता है, बॉइलिंग पॉइंट भी वैरी करेगा। जैसे आप मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल मैं लूँ, तो एक मान लीजिए लोहे का रॉड ले लीजिए आप, ठीक है लोहे का रॉड ले लीजिए, अब उसको आप लाइटर से जलाइए, देखिए मेल्ट करेगा क्या, वही आप वैक्स ले लीजिए, वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब मैटर का, यानी मेल्टिंग नहीं, तीनों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, तीनों पॉइंट मैटर के अकॉर्डिंगली वैरी करता है। जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट अलग हो जाएगा, फिर किरोसिन का फ्रीजिंग, क्या बोलते हैं, किरोसिन का गैसीय स्टेट में क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में, उसका भी प्रोसेस अलग हो जाएगा। यानी क्या हो रहा है,
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल, इसी में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो मेल्ट करना मतलब किससे मेल्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है ना आपका, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो क्या बोल देंगे, मेल्ट कर गया। तो वही बोल दीजिए, द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेस इंटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। फिर आगे जाते हैं, लिक्विड से गैस में जाएंगे, लिक्विड से गैस में क्या आ रहा है, हम पानी को गर्म करिए, गर्म करने को क्या बोलते हैं, बॉयल कहते हैं, बॉयल करना बोलते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया। वही वहाँ लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे तो क्या बोलेंगे उसको, लिक्विड से सॉलिड में जाएं तो क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ डालते हैं, फ्रिज में डालते हैं ना, क्या कहते हैं लिक्विड को, फ्रीज कहते हैं ना, तो उसको बोलते हैं द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इंटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया। वाटर, एक चीज मेरे को बताइएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर कितने डिग्री पे फ्रीज होता है, ये बताइए आप, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आइस का, दोनों सेम होता है, सेम टेम्परेचर पे फ्रीज भी करता है, सेम टेम्परेचर पे मेल्ट भी करता है, वो कौन सा टेम्परेचर होगा बताइए मेरे को, वो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ये इस टेम्परेचर पे आपका वाटर क्या होता है, टर्न्स इनटू सॉलिड और मेल्ट भी उसी टेम्परेचर पे करता है, यानी आइस मेल्ट कितने टेम्परेचर पे करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, वाटर, वाटर के एग्जांपल लेते हैं, ठीक, वाटर, वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल्स होता, बॉयल होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आपका, वाटर उबलने लगता है, यानी क्या होता है, तैयार हो जाता है किसमें, गैस स्टेट में जाने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज क्या, 100 डिग्री सी। वही हम लिखेंगे आपका, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सी, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर फ्रीज क्या होता है, 10, 9 टेम्परेचर जैसे जैसे घट रहा है, देखिए क्या हो रहा है, सॉलिड स्टेट में जाना स्टार्ट कर जा रहा है, यानी फ्रीज कर जा रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। वही वाटर का ही फॉर्म है ना, आइस, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सी, मेल्ट्स की जगह आप लिख दो स्टार्ट्स मेल्टिंग, स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या करना स्टार्ट कर देता है, वो अपना स्टेट चेंज करने लगता है। लेकिन वही अब वाटर क्या करता है, स्टेट में, लिक्विड स्टेट में 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, सॉलिड होने लगता है। ये था आपका वाटर के बारे में। चलिए अब हम सीखते हैं, जानते हैं द काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थियोरी किसका, मैटर का काइनेटिक थियोरी। तो काइनेटिक थियोरी क्या बोलता है, द काइनेटिक थियोरी ऑफ मैटर एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर का कितना स्टेट होता है, 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो काइनेटिक थ्योरी क्या बताएगा, एक्सप्लेन क्या करेगा, जो मैटर का जो 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के बारे में तीनों का बिहेवियर एक्सप्लेन करेगा, कि वो सॉलिड कैसे हुआ, उसमें क्या रहता है क्या नहीं रहता है। आइए देखते हैं, ये तो हम जानते हैं पहला वाला, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स रहता है वो क्या रहता है, रिजिडली हेल्ड, मतलब एक दूसरे को हम टाइट से पकड़ के रखता है, तभी ना वो सॉलिड स्टेट में है, तभी ना उसका शेप है। सॉलिड का क्या होता है, शेप होता है, लिक्विड का शेप होता है, नहीं होता है। तो देखिए, इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, मोशन उनका क्या होता है, कंटिन्यूअस रहता है, नहीं हिलते डुलते रहते हैं, तभी ना आप कोई स्पिल करते हैं वाटर को, क्या होता है, फैल जाता है ना पूरा, यानी उनका पार्टिकल्स क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में है। बट
नॉट कंप्लीटली सेपरेटेड, ये ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस मोशन में तो है लेकिन कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं है। पानी को देखते हैं, ऐसे फेंकते हैं तो गैस की तरह स्मेल करने लगता है क्या? नहीं ना। लेकिन वही हम आपका गैस, गैस का स्टेट में देखते हैं। गैस का स्टेट में क्या है? पार्टिकल्स कैसा है आपका? कंटिन्यूअस रैंडम मोशन है। कंटिन्यूअस रैंडम मोशन से क्या मतलब समझे? ये देखिए एलपीजी सिलेंडर हो गया, ठीक है, और उसमें गैस का पार्टिकल है ना, ऐसे ऐसे इधर रहता है, अरे इधर उधर घूमते रहता है, जहां मन करे घूमते रहता है। ये मोशन क्या है इनका? रैंडम है। अगर आप यहां से खोल दोगे तो क्या हो जाएगा? निकल के फैल जाएगा चारों तरफ। इसीलिए हम लोग एलपीजी गैस को क्या करते हैं? कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, उसी से हम लोग हमारा खाना बनता है। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी से हम लोग क्या समझ रहे हैं। द पार्टिकल, पार्टिकल क्या कर रहा है? पोजेसेस सम एनर्जी। पार्टिकल क्या करता है? कुछ एनर्जी पोजेस करता है ड्यू टू देयर मोशन, यानी मोशन में रहता है। अब आपको बोलेंगे सॉलिड, सॉलिड में पार्टिकल ऐसे रहता है ना, ऐसे तो रहता है लेकिन वाइब्रेट करते रहता है कि कम हम इससे अलग हो, लेकिन फोर्स क्या है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स की वजह से एक दूसरे से अटैच रहता है। वही आपका लिक्विड में क्या होता है? थोड़ा सा इंटरमॉलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है? पार्टिकल है यहां सटा हुआ होता है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है। लेकिन वही गैस के केस में क्या होता है? आपका फैलने के लिए इधर उधर फैलने लगता है। तो क्या बोलते हैं? पार्टिकल के पास एनर्जी रहता है तभी वाइब्रेट कर रहा है। अब किसी के पास एनर्जी है तभी वाइब्रेट करेगा। अब मान लीजिए आपको तवा पे बैठा देंगे, तवा पे बैठा देंगे तो क्या कुछ एनर्जी मिलेगा तब ना वाइब्रेट कीजिएगा? मतलब क्या हो रहा है? हीट मिल रहा है आपको, हीट मिलेगा तभी तो आप बाहर बोलिएगा कि नहीं गर्म गर्म गर्मी लग रहा है मेरे को, या बहुत हीट कर रहा है, पेन कर रहा है, तब नीचे उतरिएगा ना। अब आपको हीट मिलेगा ही नहीं, एनर्जी मिलेगा ही नहीं, एनर्जी देंगे ही नहीं, तो आपको कहाँ से पता चलेगा कि हाँ कुछ हो रहा है मेरे पास? तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। ड्यू टू देयर मोशन, यानी मोशन में पार्टिकल हमेशा मोशन में करता है, यानी उसके पास क्या रहता है? एनर्जी रहता है। अब उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी पार्टिकल के पास जो एनर्जी है ना, जो भी एनर्जी है सॉलिड का, लिक्विड, गैस, पार्टिकल जो भी एनर्जी पोजेस करता है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी। उसको डिनोट कहते हैं KE। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या, मतलब काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो एक चीज जान लीजिए आप पहले, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कि आपका टेम्परेचर हम राइज करेंगे तो एनर्जी भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर जहां डाउन करेंगे एनर्जी भी घट जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।